नमस्कार फ्रेंड्स, हम आज नया जो टायर शॉप है, टायर शॉप स्टोर, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर देखेंगे। हमारा इसमें कैसी फैसिलिटी है वो चीज़ हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखेंगे। तो पहले हम बनाते हैं हमारी कंपनी। यहाँ पर यहाँ से हम क्रिएट कंपनी कर देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर मांग रहा है, यहाँ हम कोई भी हमारा मोबाइल नंबर डाल देंगे। हमारा जो बिजनेस का है वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से हम क्रिएट कंपनी कर देंगे। हो गई ये हमारी कंपनी। यहाँ हमने नई कंपनी हमारी बना दी है। अब हम आइटम में जाएंगे। टायर शॉप में मेन चीज ये होती है कि हम जब भी कोई टायर का आइटम बनाते हैं या तो फिर वो टायर का जो भी आइटम क्रिएट करते हैं, तो उसमें पहले हम सेटिंग में जाएंगे। ये पूरा मास्टर सब आइटम का जो है मास्टर है, ये जो सॉफ्टवेयर में यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ हम एक करके यहाँ कुछ भी हम फील्ड अपने जितने भी है, तो वो जितने भी फील्ड हम यहाँ डालना चाहे इतना भी हम डाल सकेंगे। जैसे कि 1 लिया हमने, 2 और 5 तक हम जा सकेंगे। इसको अप्लाई कर दिया, ओके, इसको क्लोज कर दिया और अप्लाई क्लोज। अब न्यू आइटम हम करेंगे। यहाँ हम डालेंगे TVS टायर। यहाँ कंपनी हम ले लेंगे TVS। पीसीस में हमें बेचना है तो पीसीस में हम ये ले लेंगे। यहाँ पर खास ध्यान रखो, मेंटेन बेच करना है। जो हमने टाइप लिया था वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मीन 35 कोई भी आप टाइप ले सकते हैं। उसका परचेस प्राइस हम 2100, सेल प्राइस हम 2500 ले सकते हैं। हम डाल के इसको एंटर कर सकते हैं। दूसरा जो टायर है TVS का, तो उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, तो वो हम यहाँ पर फीड करेंगे। वैसे हम कितने भी आइटम TVS की कंपनी के हम जितने भी डालना चाहे इतना डाल सकेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे, सेव। दूसरी बात ये है कि ओल्ड टायर भी यहाँ ऐड करना चाहते हैं कि कोई बंदा आया और ओल्ड टायर लेके उसका जो है माइनस करके हमको दे दे रहा है, तो हम उसका कितना वैल्यू है वो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली सैलरी में कैलकुलेट करेंगे। सेम, ठीक है, क्लोज। अब हम बनाते हैं उसका सेल भी। ट्रांजेक्शन में जाएंगे सेल पे या तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। कैश में बेचते हैं तो कैश, यहाँ कैश आएगा। कस्टमर का नेम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम TVS टायर की बात कर रहे हैं, तो TVS में देखो ये दोनों टाइप के जो थे टायर्स, वो यहाँ पर कितने हैं हमारे पास वो चीज आ जाएगी। उसकी क्वांटिटी ए, पीसीस ए, और उसका भाव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेल भी बनाएंगे इसका और इसको हम सेव कर देंगे।
सेव किया और इसको प्रिंट आउट देख लिया। ठीक है, तो ये टीवीएस टायर का पूरा जीएसटी के साथ ऐसा भी होता है। दूसरी बात है, हम दूसरा सेल बिल बनाएंगे कि ओल्ड टायर है हमारे पास, ओल्ड टायर हम लेते हैं उस बंदे से और उसकी प्राइस हम लगाते हैं 500। उसको टीवीएस टायर भी बेचते हैं नया, ये यहाँ पर माइनस कर देते हैं माइनस, क्योंकि वो क्वांटिटी हमें खरीदनी है। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं उसको टीवीएस टायर में, दूसरा उस बंदे को टीवीएस टायर्स भी लेना है। तो यहाँ पर हम ये वाला 2700 वाला यहाँ पर ले लेंगे उसको, तो उसका माइनस होके 30-10 रुपीस जो बिल बनेगा, तो उस करण नाम के मेंबर का जो कस्टमर का जो बिल बनेगा वो माइनस, वो 550 उसका माइनस करके, यहाँ डिस्काउंट भी आप लिख सकते, 2% डिस्काउंट देना चाहते हैं, 3% डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये बिल बन जाएगा, इसको सेल करते हैं, सेव कर देते हैं और जीएसटी में देख लेते हैं। तो ये देखो ओल्ड टायर माइनस वन है ना, तो ये ओल्ड टायर हम उससे खरीद के फिर उसको बेच देते, तो पूरा बिल ऐसे आ जाएगा। अब उसका स्टॉक देखते हैं हम, आउट क्वांटिटी माइनस वन, क्लोजिंग क्वांटिटी वन हो गई। टीवीएस टायर के दो थे, दो हो गए है ना, पूरे उसकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई। फिर से हम आइटम में ओल्ड वाले जो है ये ओल्ड टायर, बेचते हैं उसको हम 700 रुपीज में। ठीक है, और इसको अपडेट कर देते हैं, और यहां पर इसका स्टॉक दो कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। स्टॉक में जाके स्टॉक रिपोर्ट में देख लेंगे, हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई है ओल्ड टायर की, जो हमने जिस बंदे को बेचा है उसी से खरीदा है एक टायर। अब इसी ओल्ड टायर का हम बिल बनाएंगे, सेल बिल में जाएंगे, कैश, किसी और बंदे को ये ओल्ड टायर हम बेचते हैं, ये ओल्ड टायर और उसकी प्राइस हम 700 कर देते हैं। ठीक है, और उसका टैक्स हम 0 कर देते हैं, सेव करके तो ओल्ड टायर जो हमने था वो 700 में बेचा, उसका 2.5% लगा दिया है। अब इसका स्टॉक हम देखते हैं, तो कितना स्टॉक हुआ ओल्ड टायर का, तो एक हमने खरीदा था उस बंदी से, उसका हम स्टॉक देखेंगे।
एक खरीदा था, क्वांटिटी माइनस वन हो गई, क्वांटिटी आउट वन हो गई और जीरो 500 में लिया था और 700 में उसको बेच दिया। अब इसकी रिपोर्ट में हम डे बुक भी देख सकते हैं, डे बुक के अंदर क्या हुआ, पूरा कैसे वो हुआ सेल और परचेज। तो ये चीज है, हम इसमें हम वो करेंगे। क्योंकि सेल बिल में हमने क्या किया, एक जो बंदा था पहले जो टायर वो खरीद भी रहा था, हम उससे खरीद रहे थे ओल्ड टायर और उसको नए टायर हम टीवीएस पे बेच रहे थे। तो ये रहा वो बिल, है ना, ये वाला नहीं, ये वाला था करंट वाला। तो ये देखो माइनस हो गए। यहाँ पर क्वांटिटी में खास ख्याल रखना, आपको माइनस वन करना मेन क्वांटिटी वन, तो ही वो माइनस होके फिर उसकी परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये बिल का फॉर्मेट आप जो भी चाहे वो चेंज कर सकते हो और यहाँ से व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप अपने इनवॉइस का आपके कस्टमर को। थैंक यू, धन्यवाद अपना नया अपडेट देखने के लिए। दूसरी बात, ये टायर शॉप सॉफ्टवेयर में ये भी है कि यहाँ पर हम मास्टर में जाके वारंटी कार्ड मेंबरशिप बना सकते हैं। मान लीजिए कि कोई किसी बंदे ने उसका कार्ड लिया जो टायर की वारंटी 1 साल 2 साल 3 साल होती है या तो फिर 5 साल होती है, तो यहाँ से उसका कार्ड नंबर मिस्टर मेहुल या तो फिर कोई भी बंदा हो आपका कस्टमर का यहाँ पर नाम आएगा, तो उस बंदे को आपको वारंटी कार्ड देना है, तो आप यहाँ से उसका वारंटी कार्ड भी बिल के पीछे दे सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि जब भी टायर की वारंटी ख़त्म हो गई तो वो बंदा फिर से आपके पास आएगा और बताएगा कि आपकी वारंटी कब ख़त्म हो गई। देखो ये ऑटोमेटिक वैलिड अप टू, इसमें आप डेट भी चेंजेस कर सकते हो। मान लीजिए कि 2 साल का है उसका वारंटी पीरियड, तो ये 2 साल भी कर सकते हो। आपने उसको डिस्काउंट दिया, जीरो दिया है, तो उसको हम सेव करते हैं, ये सेव हो गया, ठीक है। अब इसी बंदे की हमें प्रिंट देनी है, तो हम ये प्रिंट देंगे ना, तो ये पूरा मेंबरशिप कार्ड उसका आ जाएगा जो हमारे शॉप से उसने टायर्स लिए। तो आपके बिल के पीछे ये भी चीज़ प्रिंट आउट निकाल दीजिए। तो एक ये खास बात थी कि वारंटी पीरियड कब ख़त्म होती है, वारंटी कैसे होती है, इसमें पूरा लिस्ट आ जाता है। यहाँ कार्ड नंबर डालेंगे ऑटोमेटिकली ये बता देगा कि कौन सा है। दूसरी एक फिर से हम एंट्री करके देख लेते हैं दूसरा कार्ड। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, फिर से मास्टर में जाते हैं मेंबरशिप कार्ड में। देखो दो चीज हो गई, अब यहाँ कार्ड नंबर 102, तो इससे भी ये सर्च करेगा, सिटी से भी सर्च करेगा, मेंबरशिप नंबर से भी सर्च करेगा, और नाम डालोगे तो भी सर्च, इसमें सर्चिंग मेथड सभी है। अब दूसरे बंदे का प्रिंट देखना है हमें, तो इस पर क्लिक करेंगे हम, राजन का, तो वो राजन का आ जाएगा पूरा, वैलिड फ्रॉम वैलिड अप टू। ठीक है, तो ये प्रिंट आउट जो बिल आपका इनवॉइस होता है टायर्स का, उसके पीछे का जो भाग होता है कागज़ का, तो वहाँ पर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर में नई फैसिलिटी व्हाट्सएप की भी है, यहाँ से डायरेक्टली आप कुछ भी अपडेट हो अपने शोरूम में या तो फिर टायर्स के शॉप में, तो यहाँ से आप डायरेक्टली नंबर डाल के यहाँ मैसेज कर सकते हो, या तो फिर उसकी वारंटी ख़त्म हो गई तो भी आप डायरेक्ट यहाँ से मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।